हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं और आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये देखो, पार्थ को हम लोग कहीं जा रहे हैं लंच करने के लिए और 12:10 हो रहा है, तो थोड़ी देर में निकलेंगे लोग। तो फिर कौन है ये? हम दूसरा कोई है। अच्छा, ये मतलब कि नया कपड़ा पहना है, कैप पहना है, तो ये पार्थ नहीं, ये कोई और है। क्योंकि हम कहते हैं कि अरे ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया, तो इसलिए ये बोल रहा है। तो अभी हम लोग निकलेंगे बस ऐसे ही थाली खाने के लिए, और आज संडे है तो ये बोले कि चलिए चलते हैं बाहर कहीं खा के आते हैं। बहुत महीने हो गए हम लोग को घर से बाहर निकले हुए भी। इधर ब्लॉग में शूट करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत हेल्दी हेल्दी खाना खाओ बिना तेल मसाला का, तो क्या शूट करें समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए नहीं कर रहे थे। हाँ बच्चों, ओके चलो बाहर चल के चॉकलेट दिलाएंगे, ओके जूस भी दिलाएंगे, और कुछ बोलेगा तो फिर थप्पड़ भी दिलाऊंगी। इसकी इतनी डिमांड बढ़ जाती है दुकान पे जाके। एक तो नीचे जाएगा तो बोलेगा बिस्किट खाऊंगा, जूस पीऊंगा। जूस में वो नहीं, नॉर्मल जूस नहीं चाहिए इसको, माजा वगैरह चाहिए। इतनी बदमाशी करता है। और ये देखो, ये मैंने पहना है सिंपल सा टॉप एंड जीन्स, और पार्थ पहना है ब्लैक कलर का टी शर्ट एंड जीन्स, और इसके पापा पहने हैं कुर्ता। चलो दिखाते हैं क्या पहना। ये टकले हो गए तो बोल रहे हैं ना कि यार ये नहीं दिखाओ, मेरे को नहीं दिखाओ। ये देखो थोड़ा सा टकले हो गए। बाल कटा लिया है पूरा इन्होंने, छिलपट्टी करा लिया है। बाल बहुत झड़ रहा था इनका तो इसलिए कटवा लिया था कि ऑयल जब लगाए तो अच्छे से लगाए। और यहाँ वाले ना बाल जो थे वो बहुत पतले पतले से हो गए थे। क्या देखना है? कैमरा में देखना है इनको। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं जल्दी से। चलो चलो चलते हैं पार्थ। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? तो फिर अभी कैमरे के पीछे तो बहुत कुछ बोल रहे थे आप, अभी ऑन करते करते बोल रहे हो डायरेक्ट कि कुछ नहीं। बॉटल ले लो पार्थ, बॉटल, पानी बॉटल। ये वाला नहीं, हाँ मम्मा वाला। ये नहीं, ये नहीं, सुना, ये नहीं, ये नहीं लेना। मम्मा का मिल गया, इधर ही था, मिल ही नहीं रहा मेरे को, नहीं मिल रहा। ये है तो ये अपने घर में क्या है? बाकी पापा मम्मी का नहीं है, मम्मी पहन ले, मम्मी में नहीं होगा। मम्मी ये बाबू के आकार का कर दिया गया है ना इसको बच्चा। आकर जाओ, अब तो खुल ही गया, अब तो अब लगाना पड़ेगा घर। बाकी ऐसा लग रहा है डिलीवरी करने जा रहे हैं। पापा और बाबू को ही अच्छा लगता, मम्मा को अच्छा नहीं लगता। चलो आ जाओ जल्दी, आ जाओ, फिर बदमाशी बाद में करना। नहीं, हम कल पहनेंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। तुम लोग मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और पार्थ रास्ते भर कह रहा था मम्मा हमको प्यास लगी है, मम्मा हमको कुछ खाना है। उसे लगता है कि कहीं भी रुका दो और कहीं भी खा लो, स्पेशली ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जाके खाओ। उसे बोल दो कि चलो खाने चलते हैं तो ऐसा नौटंकी करता रहता है घर से ही। उसे भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं, ऑर्डर करेंगे खाना कि क्या खाना है। वैसे नॉनवेज खाएँगे लो हम लोग आज, क्योंकि 2-3 दिनों में सावन चढ़ जाएगा, तो सावन 2 महीने का लग रहा है, तो सावन भर तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये आ गया है मेनू कार्ड और ऑर्डर करते हैं। मिल लेना है खाली बनाते हैं, और एक अगर कुछ और बनाना। क्या खाना है? ओके, तो हमने अपना डिसाइड कर लिया और इधर पार्थ अपना डिसाइड कर रहा है, और ये हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर में सिंपल सा यहाँ का नॉनवेज थाली मंगाएंगे लो। पहले हम लोग सोचे थे थाली खाएंगे लो, आंध्रा स्टाइल थाली जो आता है, वेज थाली। बट फिर लगा कि नहीं 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 खाएंगे लोग, थाली नहीं खाएंगे लोग, क्योंकि थाली में आप शेयर नहीं कर सकते हो, तो शेयर नहीं कर सकते फिर इतना सारा कौन खाएगा, तो इसलिए सोचा कि छोड़ो। तो इसलिए सिंपल हमने ये वाले खाने मंगाए हैं, बिरयानी, चिकन करी, तंदूरी रोटी, रायता और सैलड, और ये बिरयानी के साथ खाने वाली ग्रेवी। चिकन यहाँ का बहुत टेस्टी लगता है हम लोग को, सिंपल, ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहता है, तेल मसाले भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट में ख़राब नहीं, बिल्कुल अच्छा, और खा के एकदम लाइट फील होता है। तो हम लोग सोचते हैं चलो वहीं से खा के आते हैं, थोड़ा सा दूर पड़ता है बट अच्छा लगता है, खाना टेस्टी लगता है। तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग का खाना भी हो गया और बीजी आ गया और ये नीचे शौक आ गया, पार्थ को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये शीशू में लेके आ जाता है घर पे। और ये देखो, ये देख लिया है खिलौने और बलून, तो इसे अब तो चाहिए ही चाहिए। इसे कुछ भी दिख जाए ना इस टाइप की चीज़ें, तो ये वहाँ से हट नहीं सकता जब तक आप ख़रीद ना दो। तो देखो इसे क्या पसंद आया है, ये वाला पसंद आया है। ये गेम है, वाटर इसमें भरा हुआ रहता है और रिंग को डालना रहता है, उस टाइप का होता है, बबल्स जैसा होता है। तो इसे वो अच्छा लगा, इसने बोला 70 रुपीज़, बट हम लोगों ने कहा नहीं 50 में दे दो, तो 50 में दिया। ये बहुत बदमाशी से चाहिए ही चाहिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं, एक बगल में शो रूम है जैसे बेड वगैरह का, फर्नीचर वगैरह का, तो वहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे आए थे स्पेशली पार्थ के रूम के लिए बेड देखने के लिए। बेड अच्छा था बट प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर सोचा छोड़ो, ये पार्थ के रूम का सोचा कि 1-2 सालों में अच्छे से इसको दे दे पार्थ को, क्योंकि ये अभी भी हम ही लोग के रूम में रहता है। और अब हम लोग चल रहे हैं घर के लिए। और ये देखो, ये जो ब्रिज बन रहा है ना, ये मेट्रो के लिए है, आधा बन चुका है, मतलब आधा बाकी है, उसके बाद से लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं, खाना खा के पेट भर गया है, बज गए 2, अब आराम करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे। खाना बहुत टेस्टी लगता है वहाँ का हम लोगों, खास करके तो स्पेशली यहाँ से वहाँ गए थे हम लोग। और ये बात आते आते रो रहा था, कह रहा था नीचे खेलूँगा नीचे खेलूँगा। और हम चल रहे हैं कपड़ा चेंज करने, सबसे पहले कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। एंकल में पता नहीं क्यों दर्द सा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा कल से है, समझ में नहीं आ रहा, हड्डियों में आजकल ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या। और ये देखो, ये कहीं भी जाए कुछ खरीद के ना लाए, ऐसा नहीं हो सकता, इसे चाहिए ही चाहिए। देख ले खिलौना ना तो इसको चाहिए ही चाहिए। अभी हो चुकी है शाम और कुछ खाने का मन कर रहा था, क्रंची सा, या फिर होता है ना शाम होती है तो टीवी देखते देखते कुछ होना चाहिए ताकि खाते रहो और देखते रहो, तो इससे बेहतर क्या होगा, तो सोचा चलो भूनते हैं। तो अभी हम भून रहे हैं सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भून दो थोड़ा सा, रोस्ट चरचर करके, तो सारे छिलके निकल जाते हैं, या फिर ऐसे ही छिलके सहित खा लो और उसके बाद से फेंक दो तो हो जाता है, या फिर छिलके खा लो, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है बहुत ज़्यादा, खाना भी चाहिए, सेहत के लिए सही होता है। और सस्ते में मिला था इसलिए हम लेके आ गए थे। पता ना उधर पार्थ क्यों हल्ला कर रहा है, देखो उधर सोफ़ा पे अपने पापा के साथ बैठ के नौटंकी कर रहा, उसका दिन भर यही चलता था, या तो उनको परेशान करेगा नहीं तो हमको परेशान करेगा। तो हम इसे भूनते हैं, शाम हो चुकी है, थोड़ा आने के बाद थक गए थे तो थोड़ा लेट गए हैं, और अभी ये भूनना चालू है। चलो पहले उठ के बैठो, आप खाली बदमाशी करते हो। स्कूल जाने हैं? हाँ? रातों को स्कूल जाओगे आप? चलो ये खाओ, ये टेस्ट, बहुत गरम है सच में, एक्टिंग कितना करता है। तो इसमें थोड़ा ओवन डाल, इसमें सब गिरा दो। तो सीड्स खाने के बाद, मूवी देखने के बाद सोचा चलो किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। तो अभी बनने वाला है बेसन वाली एक सिंपल सी डिश है, बट रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा भी डालना हो तो डाल सकते हो। फिर राई जीरे से तड़का लगाया, कड़ी पत्ता डाला, हरी मिर्ची और लहसुन डाल के इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे जस्ट, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कम ऑयल वाला हम लोग खा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैंने तेल डाला था। आपको ज़्यादा ज़रूरत है जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो, आपकी मर्जी आपका सेहत। तो इसमें थोड़ा सा प्याज डाला, फिर उसे भून दिया और ये गए इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर चाहे आप तो बेसन में भी डाल सकते हो, बट मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाएंगे। और नमक स्वाद अनुसार डाला और इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे ताकि जो प्याज है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और इसमें डाल देना है बेसन का घोल। बेसन के घोल में मैंने कुछ नहीं डाला था, सिंपल पानी और बेसन को घोल के और इसमें डाल दिया और इसे चलाते हुए हमें पकाना है अच्छे से। और अब इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता। आप चाहे तो थोड़ा और ज़्यादा धनिया पत्ता डाल सकते हो, बट मैंने सोचा इतना काफ़ी है इसमें। और ये देखो ये गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई, ये थोड़ी सी और गाढ़ी करेंगे इसे हम। और कोई लम्स नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। स्मूथ जितना रहता है ना उतना ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लगता है देखने से भी। तो ये देखो ये तैयार हो गया है, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे उसके बाद से तैयार हो जाएगा। और ये देखो ये पक गया है अच्छे से, इतना ही गाढ़ा रहता है, इससे ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। और ये मैं इनके लिए खाना निकाल रही हूँ, रोटियाँ। मतलब आजकल हम लोग हेल्दी हेल्दी खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो रागी की रोटी है आटे के साथ थोड़े से, ताकि अच्छे से बन जाए रोटी। तो मिक्स आटा रहता है आजकल, मतलब मिक्स तो हम लोग ख़रीदते हैं, बट होता है ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग रागी मिला के, उसके बाद जो भी रागी ज्वार जो भी हो तो मिला के बनता है। और ये मेरा खाना लग गया, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये बोल रहा है